सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है अगर आप इस सेशन को देखेंगे तो। पहले करना क्या है, आपने पहले 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलना है, ना कब क्यों कैसे, कोई किसी का कोई आंसर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है, इस वीडियो को देखना है आराम से। उसके बाद सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर दूंगा सभी क्वेश्चन के, ठीक है। और वीडियो जबरदस्त होने वाली है, लेक्चर जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस जो कॉन्सेप्ट जो मैं कराने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट एग्जामिनर बहुत पहले से कर रहा है। आप देखेंगे मैं शुरुआत करूंगा 1999 से लेकर और 2017 पे हम एंड करेंगे सीजीएल मेंस के, और उनके बीच में जब जब वो क्वेश्चन आए गए और वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर बड़ी हो गई तो एक छोटी सी इस पहले वीडियो बनाएंगे, इसमें इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और दूसरी वाली वीडियो में उसके सारे वो क्वेश्चन जो कि 99 से स्टार्ट हुए, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसा कोई साल नहीं बचा जहां पर वो क्वेश्चन आया हो, जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आया हो, ठीक है, ना आया हो, ठीक है भाई। तो ज़्यादा समय लेते हुए हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो कॉन्सेप्ट एग्जामिनर बार बार हमसे पूछता है, और हमें अभी तक उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करते, हम कभी जिक्र ही नहीं करते, ना कभी सोचने की कोशिश करते कि यह कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। आइए पहले देख लेते हैं करना क्या है। आज के हम कॉन्सेप्ट समझेंगे भाई सर्कल, ठीक है। आप इसे मेंसुरेशन कह सकते हो, आप इसे ज्योमेट्री कह सकते हो, आप जो मन में आए वो कह सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये दो नंबर का क्वेश्चन होगा जो आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। एक कम से कम दो नंबर का क्वेश्चन तो होता है, और हर साल आता है यार, ये करेंगे कैसे, क्योंकि जैसे ही सर्कल के आप सर्कल आता है तो हमारे सामने एक फिगर बनकर आती है भाई, एक सर्कल होता है। अच्छा मैं अभी बस मैंने कहा है कि बस सिर्फ और सिर्फ आपको बस वीडियो देखनी है, कुछ भी नहीं करना है। मैं इसके लिए देखो, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हम कोई भी फॉर्मूला नहीं करेंगे, ऑरली सॉल्व करोगे आप, नैनो सेकंड में आंसर सॉल्व करोगे। कोई सवाल पढ़ रहा होगा ना आपके सामने, दिखाई दिया, आप ऐसे आंसर दोगे चुटकियों में, कहीं पर भी कैलकुलेशन की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो बस आपने करना क्या, देखना है, बस छोटी छोटी बातें बस वो बता रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं सीधे भाई। एक सर्कल होता है, सर्कल के बीचों बीच में एक सेंटर होता है, इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को कहते हैं हम रेडियस, इसे हम रेडियस बोलते हैं, ये आपको सबको पता है, उम्मीद करता हूँ सबको पता ही होगा, ठीक है। ये सेंटर होता है और इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। अगर हम मान के चलें, अगर एक तार लिया जाए, एक वायर ली जाए और उस वायर को मोड़कर एक सर्कल बना दिया जाए, तो उस वायर की लेंथ को अगर यहां से तोड़ के मैं इस लेंथ को करता हूं, तो इसी लेंथ को बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस या हम बोल सकते हैं परिधि, हिंदी वालों के लिए बोलेंगे परिधि। इसे रेडियस को बोलते हैं हम हिंदी में त्रिज्या, और इसके अंदर जो जगह कवर होती है उसे हम बोलते हैं एरिया, या कह सकते हैं क्षेत्रफल। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। अब आपके मन में जैसे ही एरिया पता चलता है सर्कल का, तो आपके मन में चल रही होती है भाई चीजें, पाई आर स्क्वायर एरिया का, परिधि के बारे में बात आ गई तो 2πr, ठीक है। तो पहले समझा रहा हूं भाई, ना तो आपको कोई ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, ना किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन देखा और आंसर टिक करोगे, ये करना है आपने, ठीक है, बस चलने दो भाई। अच्छा कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, एक मिनट लगेगी बस। तो बस इतना समझ लेना भाई कि सर्कल में कुछ एक रेडियस नाम की चीज होती है जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, एक सर्कमफ्रेंस नाम की चीज होती है जिसे हम परिधि बोलते हैं, जो उस तार की लंबाई होती है जिस तार से वो सर्कल बनाया जाए, या उस हम गोल की गोल जो आकार है सर्कल की लेंथ जो होती है भार की, उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और एक एरिया होता है जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भाई रेडियस आर, ठीक है, सर्कमफेरेंस सी, और मैं बात करूं एरिया, ठीक, मैं हम इसे बोले भाई त्रिज्या, इसे बोले परिधि, और इसे बोले क्षेत्रफल, ठीक। तो करना क्या है, अभी हम इनके रेशो रखेंगे। कुछ रेशो क्या है कि भाई सबसे पहले अगर रेडियस आपकी 3.5 होगी, क्या होगी, रेडियस आपकी 3.5 होगी तो सर्कमफेरेंस हमेशा बनेगा 22, और आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 38.5, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर की यूनिट में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारे सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होंगे तो मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अगर मैं सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, अगर इसको डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3.5 का डबल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो मुझे सर्कमफेरेंस को भी डबल करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। एरिया को, एरिया को डबल करूंगा, एरिया को डबल नहीं करेंगे, बात समझे। एरिया को करना क्या है कि हमने यहां 3.5 को डबल किया, इसका मतलब हमने क्या करा, अभी हमने 22 को भी डबल कर दिया। और अब जब एरिया की बात आई है, तो एरिया क्या होता है, यूनिट, अगर हमारे पास रेडियस या सर्कमफेरेंस की जो यूनिट होती है उसके स्क्वायर से गुणा करना पड़ता है। फिलहाल हमारे पास कितने गुना है, 2 गुना है, तो मैंने क्या करा, यहां भी 2 गुना कर दिया। अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो कहने का मतलब इस एरिया को, गिवन एरिया को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा, हमने जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलो एक काम और करते हैं, इसका भी डबल कर लेते हैं। भाई मैंने जैसे इसका डबल किया, मेरे पास हो गई क्या, रेडियस 40 सेंटीमीटर। इसको डबल किया तो मेरे पास हो गई 88 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या रखा, भाई 7 को अगर कंपेयर करता हूँ तो 7 से मैंने दोगुना किया, तो यहाँ से भी दोगुना कर दिया, और दोगुना करेंगे तो एरिया क्या होगा, इसके स्क्वायर के गुना क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ये निकाला किस तरह से आपको पता है भाई, जितने गुना कर रहे हैं, अगर मैं 3.5 को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं तो मैं देखूंगा यहां पर कितने गुना, 4 गुना है, तो 4 गुना है। अगर 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी आंसर यही बनेगा। मैंने देखा भाई सरकम, ये जो रेडियस है, रेडियस का 4 गुना है, तो सरकमफेरेंस को भी 4 से गुना कर दूंगा तो 88 बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, अभी आपको लग रहा होगा कर क्या रहे हैं, सब चीज क्लियर हो जाएगी भाई, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा इस वीडियो के खत्म होने से पहले। वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे जो 1999 जब से एसएससी बनाया, जब से पूछे जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा, हम सोए जा रहे हैं और हम करे जा रहे हैं बस फॉर्मूले। तो फॉर्मूलों से बचना है भाई, कॉन्सेप्ट पे करना है, जितने भी जो डाटा है। अब मैं आपसे बोलता हूं, कोई ये बोले कि भाई ये ही क्यों, मैं कहता हूं भाई ये ही इसके पीछे भी रीजन है, मैं बताऊंगा। क्योंकि अब आप क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे किताब उठा लेनी है, वो जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो, जिसे आप प्रैक्टिस करते हो, जिन्हें आप प्रीवियस पेपर बोलते हो। प्रैक्टिस सेट कोई एग्जाम किसी कोचिंग सेंटर का होगा तो हो सकता है ये काम ना करें, किसी टीचर से बनाए क्वेश्चन होंगे हो सकता है काम ना करें, लेकिन प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आपको देखेंगे कि सब जगह काम कर रहे होंगे आपके। कुछ एक आध क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं, वहां पर काम नहीं करेंगे, पर लेकिन देखेंगे ना उन क्वेश्चनों को भी हम बिना फॉर्मूले के करेंगे, उनके लिए भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उनका कुछ और तरीका होता है, उन्हें भी समझेंगे, उनके लिए भी फॉर्मूले नहीं करेंगे। लेकिन बस आपने देखा कि भाई हम एक किसी को भी वैल्यू को याद कर सकते हैं, मान लो मैं ये याद कर लेता हूं तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं सभी सारी की सारी वैल्यूज, अब कुछ भी दे दे। तो आपने करना क्या है, बस रेशो बनाकर काम करना है, और मैं इन चीज़ों को अगर मिटा के बस अब मेरे पास लास्ट में जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन याद रखें तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। पहला काम, आपको ये 3 चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी भाई, याद कर लोगे तो बहुत ज़बरदस्त है, और उसके बाद देखते हैं भी क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर यूनिट है, और मीटर होगा तो मीटर यूनिट है। आपको ये 3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी उसके बाद देखते हैं। पहला अगर रेडियस आपका 3.5 है तो आपका सर्कमफ्रेंस क्या होना चाहिए, आपका सर्कमफ्रेंस होगा 22, और एरिया क्या हो जाएगा 38.5। अगर रेडियस आपकी 7 हो जाए तो आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 44, और एरिया हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी रेडियस 14 हो जाए तो आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 88, और 616 हो जाएगा आपका एरिया। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको बिना किसी फॉर्मूले के और चुटकियों में आंसर देना है किसी क्वेश्चन का तो ठीक है, चाहो तो आप इनमें से किसी को भी याद कर लो, आपको लगता है ये पॉइंट वाली वैल्यू थोड़ा सा दिक्कत देगी याद करने में तो आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। एक कोई भी वैल्यू याद कर लो, उसके बाद आप दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। मान लेता हूं मैं ये मुझे याद नहीं है, पर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कर लोगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। मान लो एक वैल्यू याद होगी मुझे लास्ट तक कि भाई मेरे पास मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे 7 याद है, मुझे 44 याद है, मुझे 154 याद है। आपसे सवाल कैसे कैसे एग्जाम में पूछते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल पूछते हैं। जैसे अभी आपने देखा, अभी जो हम देखे आ रहे हैं CHSL का जो 2018 का पेपर चल रहा है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले दिया ना सिर्फ ने CHSL का, SSC CHSL का, उस पेपर में देखना कि ऐसा एक सेट नहीं बचा जहां पर सर्कल का क्वेश्चन आया हो और इस कॉन्सेप्ट पे ना आया हो।
कितने सारे क्वेश्चन अभी उनके जब आएंगे ना, अभी पेपर आ जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, अब जब देखना कि हर सेट में एक क्वेश्चन मिला होगा और हर क्वेश्चन में एक यही डाटा है, ये तीन डाटा लिखवाए ना बस यही, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि 2018 में पूछे हैं, उससे पहले आप 99 से स्टार्ट करोगे, 99 से आ रहे हैं यही डाटा, लेकिन हम डाटा पे काम ही नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो आप वहां पर देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए सिंपल से कि भाई जिसका क्षेत्रफल, अब सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसका एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो सर्कमफ्रेंस क्या बनेगी, 88 बनेगी, और उसका रेडियस क्या होगी, 14 होगी। आपको जैसे ही पता चला कि भाई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी सर्कल का एरिया है तो उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 14। इतना काम करना है, इतने में आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, कभी आपको रेडियस दे दिया कभी तो एरिया पूछ लिया, कभी एरिया दे दिया तो रेडियस पूछ लिया, कभी सर्कमफ्रेंस दे दिया तो एरिया पूछ लिया। अगर मान लो मैंने भाई ये चीज याद है, मुझे निकालना है कि सवाल बन जाए कि भाई मेरे कोई दे दिया हमें कि भाई कि सर्कमफ्रेंस दे दिया किसी का, भाई एक सर्कल है, उस सर्कल का 88 सर्कमफ्रेंस है, तो बताइए आप उसकी रेडियस क्या होगी। तो जैसे ही सर्कमफ्रेंस बोला है तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मुझे क्या याद है, 44 याद है। तो 44 याद है, मैंने देखा भाई 88 इसका कितने गुना है, ये चेक करता हूँ, मुझे याद है 44, लेकिन दे कितना रखा है, 88 दे रखा है, कितने गुना है, 2 गुना है। हमें याद रहेगा जितनी सर्कमफ्रेंस गुना होगी उतनी उतने ही गुना हमारे पास त्रिज्या भी होगी, रेडियस भी होगी। और क्षेत्रफल के बारे में बात करें या एरिया के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, उसके स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो इस केस में मेरे पास ये दुगुना है तो मैं भी कह दूंगा ये दुगुना है, तो मेरे पास आ जाएगी रेडियस क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी इस केस में, ठीक है। अगर मुझे यहां पर क्षेत्रफल निकालना पड़ता कि भाई मुझसे बोलता कि उस सर्कल की, जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर है उसका एरिया क्या होगा, तो हम करेंगे क्या, 88 देखा भाई कितने गुना है इसका, इसका 2 गुना है, तो ये लाइन मुझे याद थी ना, ये वाली लाइन थी, 2 गुना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का 4 हो जाएगा, और मैं इस नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। बहुत जबरदस्त चीज है। अभी मैं क्या करते हैं, अभी हम क्वेश्चन करते हैं वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन जो आपको आए हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं, आप विश्वास मानो, आप देखना करना, जो क्वेश्चन रह जाएंगे ना उन्हें भी हम बिना फॉर्मूले के करेंगे पहली बात तो। तो ये चलो मैं मिटा देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको याद हो जाएंगी और आप क्या याद करोगे भी, ठीक है। एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं, एक बार हम याद कर लेते हैं, चलो याद कर लेते हैं क्या, जिसकी त्रिज्या 3.5 होगी, 3.5 होगी, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 22 और उसका एरिया क्या हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस सर्कल की त्रिज्या अगर 7 हो जाएगी तो उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 44 और उसका एरिया हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस सर्कल की त्रिज्या अगर 14 हो जाएगी उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 88 सेंटीमीटर और उसका एरिया हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको याद है, बस इतना समझना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 38.5 स्क्वायर यूनिट में दे रखा है सेंटीमीटर में, इट्स सर्कमफ्रेंस इज, सर्कमफ्रेंस दे रखा, मैं ऑप्शन देता हूं 22, 24, 26 और 32। ये आपका प्रीवियस पेपर का एक क्वेश्चन है सबसे पहले, ठीक है। तो हम देखते हैं सिंपल सा क्या दे रखा है कि एक एरिया दे रखा है सर्कल का, कितना 38.5 दे रखा है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मुझे इसके सर्कमफ्रेंस निकालना है। अभी तो हमने सीखा जिस सर्कल का रेडियस 3.5 होगा उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 22 होगा और उसका एरिया कितना हो जाएगा, 38.5। तो मैं उल्टा कर सकता हूं, जिसका एरिया मेरे पास 38.5 है उसका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मुझे यहां ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें देखो हमने क्या करा था भाई, हमारे पास रेडियस था, सर्कमफ्रेंस था, एरिया था, मुझे ये याद था, मुझे ये याद था और मुझे ये याद था, पर मैं कोशिश उम्मीद करूंगा कि आप सारे के याद करो, ये तीन ही तो वैल्यूज हैं यार, तीन वैल्यू याद कर लोगे बहुत बड़े चीजों से बच जाओगे। मुझे अगर देते जैसे 616 डायरेक्ट, मुझे बोलता कि भाई कोई एरिया दे दिया 616 तो मुझे रेडियस निकालनी है, तो मैं ये चेक करूंगा ये कितने गुना है, ये चेक करता हूं तो मुझे निकलेगा 4 गुना। अगर ये एरिया, अगर एरिया का 4 गुना है, जो गिवन एरिया है जो हमें याद है उस एरिया का अगर 4 गुना है, तो उसके स्क्वायर रूट निकालने के बाद अगर हम इन नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस और उसका रेडियस भी निकल जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 88 और मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रेडियस 14, ठीक है।
ये भी याद रहे कि जब एरिया अगर दे रखा हो तो एरिया का जितने गुना है उसके स्क्वायर रूट से गुना करना पड़ता है सरकमफ्रेंस और रेडियस को, और रेडियस का जितना दे रखा है रेडियस और सरकमफ्रेंस क्या होता है उसके स्क्वायर से गुना करते हैं एरिया निकालने के लिए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। तो आप जब देखोगे ना सी एच एस एल के, चाहे वो 2016 के हों, 2017 के हों, 2018 के, अब जो भी कुछ पेपर उठाओगे उनमें अगर सर्कल का क्वेश्चन बनाए तो सिर्फ और सिर्फ इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनाए। इवन 2017 में सी जी एल मेन्स, जिससे हम हुआ मना के चल रहे हैं कि सी जी एल मेन्स में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना दिए, अच्छे अच्छे फ्रेम कर दिए। तो यहाँ तो मेंशनेशन कर रहे हैं 2D, इवन हम 3D करेंगे ना, 3D में भी आ जाएगा। सिर्फ 3D में जब आप बेलन के क्वेश्चन करोगे, या हम कैसे सिलेंडर के क्वेश्चन करोगे, सिलेंडर के क्वेश्चन भी ऐसे सारे के सारे ऐसे फाइंड होंगे। देखना आपका डाटा कहाँ पर है। टीचर्स क्या करते हैं कि एग्जाम के क्वेश्चन में जो आ रहा होता है ना डाटा, उस डाटा को ऐसा ना लगे उन्हें कि कॉपी कर रहे हैं हम, तो उस डाटा में अपनी मर्जी से छेड़खानी कर देते हैं। तो आपके कोचिंग सेंटर के जो नोट्स होंगे वो तो इस पे काम नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि कोचिंग सेंटर के नोट्स क्या होता है कि टीचर्स अपने स्टूडेंटों को दे देते हैं, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा ना लगे बच्चों को, पढ़ने वालों को, कि भाई कहीं से ये कॉपी किया गया है। तो उसमें कुछ वैल्यू कुछ दे रखी होती है, उस वैल्यू को बिना जज करे हुए अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगता है ना कि इनके लिए तो फॉर्मूला यूज है, फॉर्मूला में तो कोई वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला समझ कर और वो लगा देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, और फिर उसे हम फॉर्मूले से कर रहे होते हैं। पर आप देखना कि एग्जाम का क्वेश्चन इस पैटर्न पे बिल्कुल सेट है, एग्जामिनर ने सेट कर रखा है। चलो एक और अब क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन कैसा हूं, द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, देन द रेडियस इज, पहले मैं लिखता हूं ऑप्शन, ऑप्शन ए लिखता हूं 3/2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है मेरे पास 5/3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारे पास सीएचएसएल 2012 में क्वेश्चन बना। क्वेश्चन था, अभी हमने बताया कि पैरामीटर है एक सर्कल का, सेमी सर्कल का पैरामीटर है, जिसका क्या है 18 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है। सेमी सर्कल में कहता हूँ हाफ सर्कल, ये लो भाई हाफ सर्कल आ गया, इसका पैरामीटर 18 है, उसकी हमें रेडियस डिफाइंड करनी है। एक बात बताओ भाई, अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या करते हैं, पूरे सर्कल होता तो देखो पूरे सर्कल में और सेमी सर्कल में फर्क क्या होता है। पूरे सर्कल में हमने क्या करा भाई, इसका अगर मैं आधा कर देता हूं ना, तो आधा करने से सिर्फ सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये पार्ट आएगा, ये पैरामीटर नहीं बना, पैरामीटर के लिए ये रेडियस और ये रेडियस, में कहने का मतलब इसमें डायमीटर भी इंक्लूड हो जाएगा। जो पूरा सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस का हाफ प्लस उसमें दो बार रेडियस, या कह सकते हैं डायमीटर भी इंक्लूड हो जाएगा, तब जाके पैरामीटर बनेगा। अब 18 दे रखा है, एग्जाम का क्वेश्चन है 2012 में, सीएचएसएल में पूछा है, एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन दे रखे थे, मैं मान के चलता हूं भाई चलो 3.5 होता। ठीक है, 3.5 अगर इसकी रेडियस होती, सबसे पहला ऑप्शन है 3.5 रेडियस होती, तो भाई जिसकी रेडियस 3.5 होगा उसका पैरामीटर क्या होगा, पूरे सर्कल का मान के चलो भाई, सर्कल का पूरा क्या होता है 3.5 रेडियस है, तो सर्कल सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है तो मैं आधा कर लूँ, कम से कम आधा करूंगा तो इसका मतलब 11 हो जाना चाहिए, ये तो इतना पार्ट 11 हो गया। अगर ये 11 है और बाकी बात दो रेडियस भी ऐड होंगे, और दो रेडियस का मतलब है ये 3.5 और ये 3.5, 7 और ऐड करता हूँ, क्या 7 ऐड करने से क्या मेरे पास 18 आ रहा है, अगर 18 आ रहा है तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरे पास आंसर 3.5 ही है, बाकी मेरे पास कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन का यूज़ करना है हमें, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं एग्जाम में, जो आपको क्वालिफाई कराएंगे आपका एग्जाम, क्योंकि उन जो आपका प्रेशर होता है ना टाइम में एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जो आपका प्रेशर होता है, वो प्रेशर जब भी ब्रेक हो सकता है भाई, जब आप उसकी दी हुई सारी चीज़ें फुलफिल करो, उन सारी चीज़ों पे काम करो, वो क्या एग्जाम में डाटा रखता है उस डाटा पे पहले काम करो। एग्जाम हॉल में तो वो प्रेशर बना देते हैं भाई, क्योंकि हम उस डाटा पे काम नहीं कर रहे होते, हम फॉर्मूले पे काम कर रहे होते हैं, फॉर्मूला नहीं पूछता कहीं पर भी भाई। एक्चुअली में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपके स्किल को चेक कर रहा होता है, आपके कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा होता। सबको पता है यार, आप नौकरी लग जाओगे तो कैलकुलेटर यूज़ करोगे, कहीं पर भी आपसे कैलकुलेट नहीं कराने के लिए बोल रहे, कोई आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा। तो कैलकुलेटर है डिपार्टमेंट के पास, पता है आप कंप्यूटर पर काम करोगे, तो कहीं पर भी आपकी कैलकुलेशन तो चेक कर ही नहीं रहा है। तो एग्जाम से पहले क्यों, क्योंकि एग्जाम में इनका भाई कहीं पर यूज़ है नहीं कैलकुलेशन का, वो यूज़ है आपके दिमाग का। फिर बोलोगे भाई हमने जब 2017 का एग्जाम देखा सीसीएस आपका ये सीजीएल मेंस, फिर उसमें कहा गया वहाँ भी कैलकुलेशन नहीं है, वहाँ भी दिमाग का काम है, वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। तो देखना वहाँ पर भी क्या करना है, एग्जामिनर आपको हिंट देता है पर आप हिंट कैच ही नहीं करते, आप लगे रहते हो फॉर्मूले करने में। चलो
ऐसा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बना और क्वेश्चन देख लो क्या है कि वो तीन बार पूछ लिया, पहले सीजीएल में पूछा भाई 2002 में पूछा, सीजीएल में 2002 में पूछा, फिर 2005 में पूछा, फिर सीएचएसएल में पूछ लिया 2011 में पूछ लिया, और फिर चलता रहा। ये एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो देखो समझो क्वेश्चन क्या है। इस बार जो क्वेश्चन है वो है वाया व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द इनक्लोज्ड एरिया व्हेन द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ऑप्शन हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान चलता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन आप पढ़ देता हूँ कि भाई एक वायर है, कोई तार है, उस तार से जब एक स्क्वायर बनाया जाए, स्क्वायर के फॉर्म में अगर उसे मोड़ा जाए, तब जाके वो एरिया कितना कवर करता है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करता है। अगर उसी तार को खोलकर एक सर्कल के शेप में मोड़ा जाए, एक वृत्त की शेप में उसे मोड़ा जाए, तब उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखो भाई, पहले तो इसका एरिया निकालोगे, फिर उसका फॉर्मूले में पुट करोगे, फिर उसके बाद उनका बराबर, बहुत सारी चीज़ बराबर करोगे भाई, कब तक करते रहोगे। अब बस आपको ये पता होना चाहिए भाई, अगर ये स्क्वायर, अगर एक वायर था, ठीक है, वायर से स्क्वायर बनाया, उसका एरिया कितना बन गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया तो पता है ना आपको, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अंडर रूट कर दूं भाई इसका, अंडर रूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 22 का। तो कहने का मतलब मेरे पास जो एक साइड आएगी इसकी वो 22 हो जाएगी, एक साइड 22 है तो चार साइड होनी चाहिए, क्योंकि चारों साइडों को तो इसका मुझे वायर की लेंथ निकालनी है ना भाई, वायर की लेंथ क्या हो गई, एक साइड अगर 22 है तो ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22, तो चार से गुणा कर दूं, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 88। बस इतना काम करना था, उसके बाद आपको सब कुछ पता है। देखो पहला काम क्या करा हमने, कि जो आपका शेप था किसका था, जो आपके स्क्वायर की शेप में जो वायर मोड़ा गया था, उसका हमें पहले तो निकालना है, उसका एरिया दे रखा है भाई आपको 484। अगर 484 दे रखा है तो उसकी साइड निकाल सकता हूँ, अंडर रूट कर देता हूँ, अंडर रूट करके देखा मैंने तो 22 आ गया। एक साइड स्क्वायर की अगर 22 है तो चारों साइड कितनी होंगी भाई, 22 को 4 से गुणा कर देता हूँ, 88 होगा। अगर 88 है तो कह सकता हूँ इस वायर की लेंथ कितनी आ गई, 88। और हमने बात की थी कि वायर की लेंथ है अगर 88, उसके द्वारा अगर सर्कल बना दिया जाए तो सर्कल क्या होता है, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस ही तो होगा। तो अब सवाल कहां पर घूमकर आ गया कि मैं इसको कह सकता हूं एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है 88 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना होगा। अगर आपने याद किया है तो मैं कह सकता हूं कि जिसकी रेडियस 14 होगी उसका सर्कमफ्रेंस 88 होगा और उसका एरिया होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरे पास आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपको वो तीन चीज याद करनी है और बार बार घूम घूम के उन्हीं चीज पर पहुंच जाएंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, फिर समझते हैं, वो सारे टाइप करेंगे और सारे टाइप करने के बाद ना फिर वो 2017 का मेंस का क्वेश्चन उठाएंगे, हम मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी यहीं से और रहेंगे सारे ही सारे, पर हम काम ही नहीं कर रहे होते इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, हम क्या भाई, एक कॉपर वायर इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये 2011 में पूछा सीजीएल में, ठीक है, 2011 में पूछा सीजीएल में, और उसके ऑप्शन मिल लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन है हमारे पास 7, ऑप्शन बी है हमारे पास 10, ऑप्शन सी है हमारे पास 11 और ऑप्शन डी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये मीटर में लगा लो सारे। ठीक, हमें दिया गया रखा है एक कॉपर की वायर है, उस वायर से पहले क्या स्क्वायर बना दिया गया अभी जैसा क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप सब कर लोगे, अगर कोशिश कर सकते हो तो करो। मैंने बिल्कुल नहीं कहता कि पेन चलाओ, मैं नहीं कह रहा भाई, पेन तो सबके पास है यार, सभी चला रहे होते हैं, पर जिस किसी किसी के पास होता है दिमाग, उस दिमाग को चलाओ यार, अगर दिमाग चला लोगे तो काम कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करना क्या है, हमें दे रखा है कि वायर स्क्वायर की शेप में है, और स्क्वायर की शेप में होने के बाद वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो करता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सॉरी मीटर है तो मीटर में लिख दो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, वो इधर उधर हो सकता है, मीटर हो या सेंटीमीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये मीटर मान रहे हो तो ये सेंटीमीटर मानो, ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर मानो तो ये सेंटीमीटर मान लो। चलो भाई, अगर वो स्क्वायर की शेप में था, ये ऑरली करेंगे सारे, अगर स्क्वायर की शेप में था, एक स्क्वायर का एरिया दे रखा 121 मीटर स्क्वायर, जब उसका 121 मीटर स्क्वायर है तो उसका
साइड क्या निकल जाएगी भाई, 121 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो निकलेगी 11, अगर एक साइड 11 है तो चार साइड कितनी हो जाएंगी 44। कहने का मतलब उस वायर की लेंथ मेरे सामने आ गई 44 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो, ठीक है, अगर 44 मीटर या 44 सेंटीमीटर आ जाती है तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक सर्कल है, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस दे रखा है 44, उसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर उसका सरकमफ्रेंस 44 है तो हम मुझे याद है कि जिस सर्कल की रेडियस 7 होगी उसका सरकमफ्रेंस होगा 44 और उसका एरिया हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे निकालनी क्या थी यहाँ पर, मुझे रेडियस निकालनी थी, तो अगर जिसका सरकमफ्रेंस 44 होगा उसकी रेडियस क्या होगी भाई, उसकी रेडियस हो जाएगी 7 मीटर, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भाई, आप देखोगे ना तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सब लग करेंगे लगभग। एक छोटी छोटी चीज और पूछ लेते हैं, देखो भाई अगर हम सर्कल से निकाल रहे होते हैं, ठीक है, मुझे बोलते हैं भाई क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक, एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट की साइड दे रखी है, मान लेता हूं मैं कहता हूं ये 14 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, एक ओ ए बी क्वाड्रेंट दे रखा है, क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल है, सर्कल का चौथा पार्ट, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में चौथा पार्ट समझो, 90 का भी चौथे पार्ट, क्योंकि सेंटर जो होता है 360 का होता है, तो चौथा पार्ट है तो 90 का डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, पहली बात। अच्छा, एक तरीके से निकाल सकते हैं भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जिसका रेडियस 14 है, रेडियस 14 है तो उसका एरिया क्या होगा पूरे सर्कल का, भाई पूरे सर्कल का निकाल सकता हूँ मैं, पूरे सर्कल का निकालने के बाद 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये पार्ट बन जाएगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला नहीं लगाना, भाई 14 जिसकी रेडियस 14 है उसका एरिया कितना जाएगा, एरिया जाएगा 616। अब 616 है तो हमें करना क्या है, ये 616 था पूरे वाले सर्कल का, लेकिन पूरे सर्कल को कितने पार्टों में डिवाइड किया है, चौथे पार्ट में, तो 4 से मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा क्या, 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4 और यहां से आ गया 2 4 5 20 और यहां से आ गया 16 4 16, ये आ गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का एरिया। क्या बात आ गई समझ में, अगर ये बात समझ में आ गई तो ऐसा भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा और इसमें मॉडर्न, थोड़ा सा और एडवांस लेवल में घुस जाएंगे, थोड़ा सा और चीज़ सीखेंगे और उसके बाद हमें ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी 4 से डिवाइड करने की। वो कैसे होगा भाई, मैं आपसे ये बोलूं भाई, देखो भाई मैं सिंपल सा आपसे कहूंगा कि भाई ये क्वाड्रेंट का निकालना है ना, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस लाइन को जरूर सुनना ढंग से, नोट कर सको तो नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जबरदस्त लाइन है ये। मैंने कहा किसी क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है तो उस क्वाड्रेंट का एरिया किसके बराबर होगा, उस क्वाड्रेंट का एरिया उस सर्कल के बराबर होगा जिस सर्कल की रेडियस उस दिए गए क्वाड्रेंट की रेडियस के हाफ होगी या आधी होगी। इस ये रेडियस कितनी दे रखी है 14, इस 14 रेडियस वाले क्वाड्रेंट का एरिया बराबर होगा इस क्वाड्रेंट की रेडियस के हाफ, कितना होती है 7, इस 14 है तो 7 रेडियस वाले सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो मुझे अब ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो मैं समझूंगा, मुझे जैसे दिया 14 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो मैं निकालूंगा, 14 दे रखा है ना, 7 कर लो और 7 से कितना से, अब 7 रेडियस मानकर सर्कल का एरिया निकालो, 7 का कितना होता है एरिया 154 आते ही मैं समझ जाऊंगा 154 इस सर्कल का नहीं निकाला था, ये तो बराबर था इसके क्वाड्रेंट के, तो कह सकता हूं इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, क्वाड्रेंट का निकाल सकते हो। दोबारा से कर लेते हैं, अगर मान लो मुझे दे देता ये चीज क्वाड्रेंट था, ठीक है भाई, ये क्वाड्रेंट दे रखा है, मैंने कहते हैं इस बार दे दिया 7 सेंटीमीटर, भाई क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट दे रखा है, उसका रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना होगा, मैंने कहा है कि क्वाड्रेंट का एरिया वही होगा उस सर्कल के बराबर होगा जिस सर्कल की रेडियस इस क्वाड्रेंट की रेडियस के आधी होगी, तो ये 7 है तो 3.5 रेडियस वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 3.5 का रेडियस है, जब रेडियस 3.5 होती है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 22 होता है और उसका एरिया कितना हो जाता है, एरिया होता है 38.5, तो कह सकता हूँ मेरा यहाँ पर हो जाएगा 38.5। बात समझ में आ गई, हम बेस बना रहे हैं 2017 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, तो बस थोड़ी देर और सब्र रखिए, आएगा वो 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, एक काम ये हो गया, एक काम और कर लेते हैं, जैसे भाई मुझे दे रखा है क्या, जैसे मान लेते हैं सेमी सर्कल,
एक सेमी सर्कल लिया मैंने, ठीक है, इस सेमी सर्कल लिया, इस डायमीटर को मैंने हाफ मिड पॉइंट बनाया और इसमें मैक्सिमम मैंने खींच दिया, एक सेमी सर्कल और बना दिया और एक सेमी सर्कल और बना दिया, ये मैक्सिमम साइज के, दोनों बराबर साइज के हैं। कहने का मतलब ये डायमीटर जो है उसे मैंने इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर मान लिया और इसे भी यहाँ पर मान लिया, मैं ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हमने दो सेमी सर्कल बना दिए। अब हमें इसके इससे क्या बात निकल कर आएगी, भाई देखो ऐसा बना दिया, ठीक है, हमारे पास जो देखो इन छोटे वाले सर्कल का अंदर जो रेड जो एरिया है, इन दोनों का एरिया का सम, इन दोनों एरिया का सम, जो ये भार वाला पार्ट है, इन सर्कल के सेमी सर्कल के जो भार पार्ट है, ये वाला पार्ट ठीक है, ये भार वाला पार्ट, ये दोनों एरिया बराबर होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूँ ये इसका अंदर का जो एरिया, इस वाले एरिया, ये ए पार्ट बोलता हूँ और ये बी पार्ट बोलता हूँ और ये सी पार्ट बोलता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ सी पार्ट मतलब कि इसे छोड़ के, इस वाले दोनों एरिया को छोड़ के जो पार्ट है, तो हम कह सकते हैं भाई ए एरिया ऑफ ए पार्ट बी पार्ट बराबर होगा सी पार्ट के एरिया में, ठीक। अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें या हम परिधि की बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात करें या पैरामीटर की बात करें, भाई यहां से लेकर यहां तक की लंबाई ये जोड़ दिया, यहां तक की लंबाई इस दोनों सर्कल के जो पैरामीटर का सम होगा, मैं अगर हम पैरामीटर बात करें, ये तो एरिया के बारे में बात हुई थी, अगर पैरामीटर के बारे में बात करें, पैरामीटर ऑफ ए प्लस में पैरामीटर ऑफ बी बराबर होगा पैरामीटर ऑफ सी, ये भी बात लिख सकते हैं। कहने का मतलब इस की परिधि बी वाले इस वाले पार्ट की परिधि इस वाले परिधि दोनों को और ऐड कर दिया जाए तो इस बड़े वाले परिधि के बराबर ही होती है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें वो पता नहीं होता, हम उन्हें लगाए रहते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अगर आपको यही अगर क्वेश्चन पता हो जाए तो मैं आपसे अगर इसके रेडियस अगर दे भी दूं 5 तो क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे, ठीक है, रेडियस मुझे दे दे 5 दे दे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं समझूंगा भाई इसकी रेडियस 5 है तो इसकी भी रेडियस 5 होगी क्योंकि मिड पॉइंट में, तो इनका जो एरिया होगा ना वो इस वाले पार्ट के भी एरिया के बराबर होगा, और मैं पूरे बड़े वाले के निकालना चाहता हूं तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों का एरिया ऐड कर दो तभी तो बात बनेगी, तो इनमें से एक का एरिया दे रखा होगा दूसरे का फाइंड करना होगा, मान लेता हूं चलो ये 5 ना देकर वो आपसे ऐसा बोल दे सवाल दे दे और इस वाले पार्ट का दे दे कुछ भी एरिया दे दे, मान लेते हैं आपसे दे दे 63.75 एरिया दे दे, ठीक है, ये दे दे और आपसे ये पूछ ले, निकाल सकते हो, इसमें लगे रहोगे भाई इसका एरिया कैसे निकाले, पहले इसकी साइड वाइड ढूंढोगे ये करोगे, आपको पता है ना भाई इसका एरिया बराबर होता है इन दोनों एरिया के सम के, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसका हाफ कर दूंगा तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा इसका और ये वाला हाफ कर दूंगा, ठीक। ये था सेमी सर्कल में, अगर मैं ये चीज बात करके मैं बोलता हूँ देखो भाई दो पार्टों में बांट देते हैं, एक तो मैंने कहा भाई सेमी सर्कल में दो मैक्सिमम सर्कल बनाए, इन दोनों के लिए बात करी थी, अगर हम यही क्वाड्रेंट में करेंगे तो क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्वाड्रेंट में 4 बनेंगे ऐसे सेमी सर्कल, ठीक है, ये करके 4 सेमी सर्कल बन जाएंगे मैक्सिमम साइज के। ये क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, 4 पार्ट होता है सर्कल का, ये सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पार्ट होता है सर्कल का, तो अगर हाफ पार्ट है तो इसके अंदर 2 मैक्सिमम सेमी सर्कल बनाने पड़ेंगे, तब ये दोनों इनका पार्ट इसके बराबर होगा। क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं, तो मैं कह सकता हूं अगर मुझे यही सारी प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी है, कहने का मतलब अंदर वाले जो सेमी सर्कल थे उन सब का सम इस भार वाले जो पार्ट बचा है इसके एरिया के बराबर होगा, या कह सकता हूं इन सब का रेडियस अगर हम इनका पैरामीटर अगर जो भी चारों का पैरामीटर इस पूरे क्वाड्रेंट के बराबर करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाई मैंने देखा भाई क्वाड्रेंट सर्कल का कौन सा पार्ट होता है, 4th पार्ट होता है, इसका मतलब इसमें मुझे 4 सेमी सर्कल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मुझसे कोई 8वें पार्ट की बात करेगा तो मैं उसमें कहूंगा 8 मुझे सेमी सर्कल बनाने पड़ेंगे, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो बस इस चीज से क्या समझेंगे कि भाई मुझे अगर क्वाड्रेंट दे रखा है तो उसके अंदर मुझे 4 सेमी सर्कल बनाने पड़ेंगे, जो ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज करी है वो यहां यूज करने के लिए। सेमी सर्कल में क्यों होता क्या है, सर्कल का हाफ होता है, तो सेमी सर्कल के अंदर 2 मैक्सिमम सेमी सर्कल बना दो तो इनका रेडियस दोनों का सम जो उसका सर्कमफ्रेंस इस वाले का सर्कमफ्रेंस प्लस इस वाले का सर्कमफ्रेंस बराबर होगा इसके सर्कमफ्रेंस के बड़े वाले के, और इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर होगा इस बड़े वाले इस जो बात रिमेनिंग पार्ट बचा है इस वाले के एरिया के, ऐसे यहां पर है इसका एरिया इस वाले का एरिया इस वाले का एरिया इस पूरे पार्ट के बराबर होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और यही है आपका 2017 का पेपर, 17 का पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है जिसके लिए आपने अलग अलग रूल अलग अलग फॉर्मूले यूज करते गए, इसे भी समझेंगे, इतना समझ लेते हैं, ठीक है, इसे भी करेंगे
पहले थोड़ा सा समझ तो लें हम। चलो अगर ये चीज समझ गए तो भाई मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका 2000 जो कि 17 में सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बनाए और वो पेपर मेरे सामने है ही है। अब तो आपके आंसर की भी आ गई है इसकी। तो क्वेश्चन जो है वो है इन द गिवन फिगर मैं बनाऊंगा अभी, फोर आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रोन इन द क्वाड्रेंट एक्स ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सेडेड रीजन। दी गई आकृति में चार समरूप अर्धवृत्तों का को एक वृत्त के चतुर्थांश चतुर्थ भाग में बनाया गया है। एक्स ए जो है 7 सेंटीमीटर के बराबर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फिर दोबारा से हम ऐसे आते हैं भाई, ये चीज लिया मैंने, ये क्वाड्रेंट बना रखा है। अब इसके लिए लिखने की जरूरत मैं समझूं भाई, 2017 एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है, ये सब वाकिफ होंगे। बात करते हैं भाई यहां, इसे मैंने हाफ लिया, ठीक है, ऐसे बना देते। चलो भाई यहां से ले लेते हैं ये चीज, ये ऐसा कुछ बन गया। हमें इस वाला सेडेड पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ऑप्शन ले लेते हैं क्योंकि भाई सवाल जब आप करो तो आपके पास ऑप्शन जरूर होने चाहिए, बिना ऑप्शन के काम नहीं चलेगा। सी यूज होना हो पर लेकिन आप ऑप्शन जरूर लो। और ये डी ऑप्शन है, ये है 84, ठीक है। पेपर में जो सवाल मेरे पास पेपर है उसमें लगा नहीं रखा, लेकिन आप लगा लो। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको दे रखी थी भाई साइड क्या दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं इसके थोड़े पॉइंट पे ला देता हूँ, ये पॉइंट है यहाँ पर ए, ये बी, यहाँ पर ये है सी, और ये डी दे रखा है, ठीक। तो ये वाले दे रखे एक्स ए, एक्स ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आप ले लेते हैं भाई। तो ये अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया जो भी होगा, ठीक। चलो भाई मैं ये 7 सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, पता नहीं समझ में, ठीक। अगर ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ये पूरा एक एक रेडियस है, क्वाड्रेंट है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये तो पता ही है, ठीक है। करना क्या है, अगर मैं बोलता हूं ये 7 सेंटीमीटर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा अगर क्वाड्रेंट पार्ट है तो क्वाड्रेंट पार्ट के लिए क्या भाई कि उसमें 4 सेमी सर्कल बनाने पड़ेंगे, तब जाके इन सेमी सर्कल का जो भी इन चारों सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो इसके बराबर होगा, यही कह सकता हूँ, ठीक है। मैंने करा क्या भाई, 7 का देखा और 7 का हमने देखा भाई रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5। अगर पूरी डायमीटर 7.5 है तो इसकी 3.5 हो जाएगी इसकी रेडियस। तो हम कह सकते हैं 3.5 के भाई हमारे पास कितने आ गए, सेमी सर्कल आए 4, जो कि बनाते हैं सर्कल कितने बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे 2। तो 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर के मेरे पास 2 सर्कल आ गए। दो सर्कल कैसे भाई, सेमी सर्कल बनाएंगे एक सर्कल, सेमी सर्कल बनाएंगे एक सर्कल, 2 सर्कल बन गए। जिसका जिसकी रेडियस क्या होती है भाई, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगी उसका एरिया क्या होगा, 38.5। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, हमने ये चीज करी है, 38.5 एक सर्कल का होगा। मुझे 2 सर्कल का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 77 सेंटीमीटर आएगा, 77 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका एरिया सबका जोड़ दिया और इसका एरिया दोनों बात होगी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना होगा। सवाल में तो देखो 77 दे रखा है, मैं टिक मार दूंगा पर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने भाई इन दोनों का जोड़ दिया, इन दोनों का जोड़ दिया, लेकिन ये वाला पार्ट देखा ना, ये वाला पार्ट तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ये 2 बार माइनस हो गया, इसका मतलब इससे ज्यादा होगा जो भी आंसर होगा, ये 2 बार माइनस हो गया। अगर ये 1 बार माइनस करना था सिर्फ, ये जो पार्ट है वो 1 बार माइनस करना था, ये 2 बार माइनस हो गया, एक बार इस वाले कट में, एक बार इस वाले कट में। अगर 2 बार माइनस हो गया तो 1 बार माइनस करना था, इसका मतलब यहां पर थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, 77 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 77 तो आंसर होगा नहीं। अगर मुझे इतना भी पता था एग्जाम में, अगर मैं इतना भी कर देता तो मेरे पास ऑप्शन थे और ऑप्शन मेरी कितनी मदद करते कि 77 आंसर हो नहीं सकता, 70 से तो बड़ा है और 140 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो एरिया बचेगा थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, तो 140 खत्म हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इसका 84, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है।
इतना समझ में आया, ये 84 आ जाएगा। मुझे बस कुछ ज़्यादा भी समझ नहीं थी इस सवाल की। मैंने कहा कि ऑप्शन आपके बहुत काम कर रहे होंगे, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे एग्जाम में तो आपका ऑप्शन वहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सवाल की कैलकुलेशन हो सकती है बड़ी हो, सवाल का तरीका हो सकता है बड़ा हो, लेकिन ऑप्शन आपकी मदद करेंगे उस सवाल को सॉल्व करने में, वो नौकरी दिलवाने में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एग्जाम नहीं है, ऑप्शन तो दे रखे थे, ऑप्शन ने हमारी इतनी मदद कर दी कि डायरेक्ट हम आंसर निकाल देंगे और आंसर क्या बन जाएगा 84। समझ में आया कैसे आया? मैंने क्या करा भाई, मुझे चार सेमी सर्कल थे जो कि दो सर्कल बनाते हैं, इसकी रेडियस अगर यहाँ पर डायमीटर 7 थी तो इनकी रेडियस होगी 3.5, जिसकी अगर रेडियस है सर्कल की उसका एरिया होता है 38.5, क्योंकि ये सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल एक सर्कल, दो सेमी सर्कल एक सर्कल, दो सर्कल बना दिए, दो सर्कल को मल्टीप्लाई करूंगा तो 77। इनका मतलब इन वाले अंदर वाले पार्ट का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, और इनका एरिया जितना होगा सबका उतना ही एरिया इसका होना चाहिए था, बात बन जाती। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर ये दो बार वो माइनस करना पड़ गया, तो इसका मतलब ये दो बार माइनस हो गया, जबकि होना कितना था सिर्फ एक बार माइनस, और यहाँ पर इसका मतलब एक बार माइनस होगा दो बार कट गया, तो ये एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पर घट गया ना दो बार, ये बढ़ जाएगा और ये 77 से बड़ा वाला रकम बनेगी। तो 70 तो हो नहीं सकता क्योंकि 77 तो ऑलरेडी है, इसमें कुछ ऐड ही तो होगा 140, क्योंकि इतना डबल नहीं हो सकता, इतना छोटा सा पार्ट है वो इतना डबल नहीं हो सकता, खत्म। 77 से तो ज़्यादा ही है, तो एक ही आंसर मेरे पास, इतना आंसर। इसे निकालने की कोशिश करते हैं, निकलेगा कैसे भाई देखो समझो, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, उसके लिए मुझे छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि भाई यहां पर एक चीज देखा, एक आपके टेंथ में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। वो कैसे क्वेश्चन का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, मैं थोड़ा सा यहां मैं करता हूं ऐसे भाई, एक अगर हमें एक स्क्वायर दे दे, ठीक है, ये स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है स्क्वायर है, मैं एक इसको इसको पॉइंट मानकर, इसे सेंटर मानकर एक क्वाड्रेंट बना देता हूं यहां पर, इसे पॉइंट मानकर सेंटर मानकर इधर से क्वाड्रेंट बना देता हूं, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। तो एक्चुअली में ये है तो वही, यही वाला पार्ट तो है भाई, इसे इधर से क्वाड्रेंट बना दिया, ये वाला पार्ट है, चाहे तो घुमा के लगा दो, चाहे मैं इधर से अगर बनाना चाहूं तो यही पार्ट है एक्चुअली में, ये आपका टेंथ में सवाल में आ रखा है। तो मैं अगर बोलता हूं भाई इसे इसे अगर मैं इस बार सेंटर मानूं और यहां से कोऑर्डिनेट बना दूं, इसे अगर मैं सेंटर मानूं इसे कोऑर्डिनेट बना दूं, तब तो ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट निकालने में अगर कामयाब हो जाते हैं तब होगा क्या, तब तो हमारा आंसर निकल जाएगा, या हमें एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा इसमें क्या ऐड करना है, क्योंकि जो यहां पर ये पार्ट निकल गया इसका मतलब वो हमने ऑलरेडी एक बार माइनस और कर दिया है, अगर वो पार्ट निकल जाएगा वो इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा प्रॉपर आंसर आ जाएगा, जो कि 84 सेंटीमीटर बन रहा था, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं ये वाला चीज कर रहे हैं, ये भी छोड़ते हैं, इस पर आ जाते हैं, ठीक भाई ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, अब समझ लो इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। भाई देखो अगर इसकी रेडियस दे रखी है कितनी 3.5, क्या दे रखी है 3.5, रेडियस किसकी, रेडियस मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्क्वायर, जो स्क्वायर है ना, ये मान लेता है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। अगर कोई आपको स्क्वायर दे रखा है उसमें दो आपके पास क्वाड्रेंट बना दिए हैं उसके अंदर, और जो उन क्वाड्रेंट के बीच में जो घेरा गया एरिया है उसे अगर फाइंड करना है तो आप क्या करो, स्क्वायर का आपने देख लिया साइड कितनी है 3.5, अपने यहां पर जो रेशियो याद करी थी ना एक रेशियो और याद करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे, क्योंकि पहले क्या करते थे, पहले ये क्वेश्चन पूछ लेते थे डायरेक्ट, तो हम इन रेशियो को क्वेश्चन इन्हें रेशियो को याद करवाते थे, ये याद होगा, छोटी सी चीज तो है, समझ लो भाई, जब रेडियस होगी कितनी, रेडियस नहीं साइड बोल देते हैं, स्क्वायर की साइड कितनी होगी 3.5 होगी, तो उस टाइम एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ये याद कर सकते हो। रेडियस को मैं जितना करूंगा, जितने गुना रेडियस को करूंगा उसके स्क्वायर से गुना करता रहूंगा इस एरिया को, तो मेरे पास एरिया भी निकल जाएगा। मान के चलते हैं कि मैंने भाई रेडियस जो है 3.5 से बढ़ाकर कितनी कर दी है 7 कर दी है रेडियस, अगर रेडियस 7 कर दिया तो इसका मतलब मैंने रेडियस देखी 7, तो रेडियस को मैं रेडियस से कंपेयर करूंगा, मैंने कहा रेडियस होगी 7 है, जो कि पहले देख कितना था, हमें क्या याद करना था 3.5 और 7, मैंने देखा भाई ये रेडियस कितनी हो गई, दो गुना हो गई है, अगर ये दो गुना हुई है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं 7 को तो 7 चौक 28, इसका मतलब कह सकता हूं जिस स्क्वायर की साइड अगर 7 सेंटीमीटर होगी तो उसके अंदर अगर दो क्वाड्रेंट के द्वारा घेरा गया एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हो, अब तो मैं बस इतना है कि भाई मुझे एक तो रेडियस दे रखा हो या एरिया दे रखा हो, एक चीज दे रखी होगी,
ठीक है, तो हमें किससे कंपेयर करना है, बस इसी से कर। मान लेता हूं मुझे दे दे भाई, मुझे ये समझ में आया कि भाई स्क्वायर के अंदर दो क्वाड्रेंट के द्वारा अंदर जो जगह घेरता है उसका एरिया निकालना होता है, मुझे दे दे स्क्वायर की साइड दे दे कितने भाई, मैंने बोल दिया 21 दे दे, ठीक है 21 दे दे भाई, 21 अगर एक स्क्वायर है इसका क्या दे रखा है साइड देने के 21 दे रखी है, तो मुझे इसके द्वारा जो घेरा गया पार्ट है इसका एरिया निकालना, तो क्या करूंगा सिंपल सा, मुझे तो साइड तो पता थी बस 7.5 और अगर 3.5 होगा तो एरिया कितना होगा 7 हो जाएगा, मैं ये चेक करूंगा कितने गुना है, कितने गुना होगा भाई 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ये 6 गुना हो गया भाई, 6 गुना कैसे 3.5 दूनी 7 और 7 21 दूनी 6 गुना हो गया, मुझे एरिया निकालना होगा इसका, तो मैं क्या करूंगा इसके 6 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो 36 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एरिया आएगा वो मेरा एरिया हो जाएगा, फिलहाल यहाँ 6 7 42 2 4 7 21 और 4 21 और 4 25, तो फिलहाल हो जाएगा एरिया यहाँ पर 252। तो मुझे अगर साइड दे रखी है उस साइड का मुझे चेक करना है कि किससे, 3.5 से चेक करना है, 3.5 से जितने गुना होगी उसके स्क्वायर से मैं उस 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बात बन जाएगी। अगर ये इतनी बात समझ में आई तो मेरे पास दो सवाल हो गए। एक्चुअली मैं 2007 में हुआ क्या वो सवाल आपसे एक कराना ही नहीं चाहता था, 2007 में हमें जो लग रहा था ना कि वो 100 क्वेश्चन कर रहे थे मेंस में, वो 100 क्वेश्चन है नहीं भाई मेरे, वो क्वेश्चन उठाओगे तो आप कम से कम 120 क्वेश्चन बन रहे होंगे, वो 120 कैसे बन रहे होंगे भाई, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे ना वो स्टेटमेंट वाले, एक क्वेश्चन दे रखा था दूसरा क्वेश्चन दे रखा था स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, भाई दो क्वेश्चन दे रखे थे जबकि एक एक क्वेश्चन बनता था वो अपने टाइम में, एक एक क्वेश्चन बनता था वो दो दो क्वेश्चन बना दिया और उनको क्या स्टेटमेंट सॉल्यूशन करना था, तो ऐसे आपने देखे होंगे तो आपने 10-12 क्वेश्चन मिले होंगे आपको, 7-8 क्वेश्चन तो मिले थे सब पेपर में सेट में, तो 7-8 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो 7-8 क्वेश्चन और बढ़ गए, और यहाँ पर भी आपने देखा भाई दो दो क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट नहीं, 3-3 क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट डाल रखा है एक सवाल में, पहले क्वाड्रेंट सिंपल सा बोलते थे क्वाड्रेंट था, फिर उसके बाद सेमी सर्कल दे दिया और उसके बाद इसके अंदर ये वाला पार्ट दे दिया, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है आपसे सवाल में पूछ लिया भाई, अगर मान लो कि भाई ये 7 है तो इसका बताओ, अगर इसकी साइड 7 थी इसका एरिया फाइंड करवाते थे तो आराम से निकल जाता था, तो इसलिए आपने 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन बना रहे थे, तो अब इतना समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है ये थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर करते हैं इस सवाल को, तो इतना अगर समझ में आ गया तो मैंने पहले तो करा था इस ऑप्शन से, क्योंकि पेपर में ऑप्शन है तो ऑप्शन का यूज कीजिए, अब मैं करता हूं कि मुझे पेपर नहीं है भाई, मुझे अब सीखना चाहिए क्योंकि अभी पेपर में ये आ गया है, आने वाले पेपर में ऐसा जाएगा तो फिर मैं कैसे करूंगा, तब भी करेंगे। देखो भाई अगर हमें ये वाला पार्ट निकालना था तो मैंने कह रहा भाई ये थोड़ी देर में मिटा देता हूँ, और मैं कह रहा कि भाई ये वाला पार्ट, ठीक है ये वाला पार्ट निकालते हैं, ठीक अगर हम इस पर थोड़ा फोकस डालें और इसे थोड़ा सा जूम करें तो जूम करने के बाद ऐसी फिगर आ जाएगी, अभी जो हमने करा है ये फिगर तो है, ये फिगर है बस रेडियस कितनी हो जाएगी, ये पूरी 7 थी और एक्चुअली में जब ये कटेगा ना तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे कटेगा, इसका मतलब इसे यहाँ 3.5 हो जाएगा, यहाँ भी 3.5, और इतना आते ही मैं अभी तो समझा था कि जिस स्क्वायर की, ये एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर की साइड अगर 3.5 होगा तो एरिया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसके अंदर जो भी ये पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो बस कह सकता हूँ कि 7 दो बार माइनस कर दिया, मैं निकालना एक बार माइनस करना था, इसके मतलब ये माइनस एक्स्ट्रा कर दिया है और यहाँ 7 ऐसे जोड़ता हूँ, 77 में 7 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको समझाने के लिए, उसके बाद फिर आप खुद करके देखना करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन अब देखते हैं, ये तो हमने सीखा थोड़ा टाइम लगा है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमसे ऐसे बोलते हैं भाई भाई एक क्वाड्रेंट था, ठीक समझना क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट के अंदर ये ऐसे एक मिड पॉइंट पे यहां पर लिया, ये मिड पॉइंट पे लिया, ये लिया यहां पर और ये यहां लिया, ड्राइंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस बार मैं कहता हूं ये ओ है, ये ए है और ये बी है, मैंने दे दिया भाई इस बार 28 दे दिया, 28 सेंटीमीटर पूरी लेंथ, ओ से ओ भी दे दिया मैंने कितनी 28 सेंटीमीटर दे दिए, मुझे पूछा है इस वाले पार्ट का एरिया, अभी हमने समझाया कि भाई अगर क्वाड्रेंट है तो 4 अगर ये होंगे तो इनका जो एरिया का सम बनेगा वो इसके एरिया के सम बराबर होगा, तो मैंने देखा भाई क्वाड्रेंट अगर ये 28 है तो यहाँ पर कितनी होगी 14 होगी, ये कितनी होगी 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, 7 हो जाएगी तो 7 का एरिया कितना निकलेगा भाई, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, दो एक सर्कल, दो सर्कल हो गए, दो सर्कल का 7 का, जिस सर्कल का 7 रेडियस होगा उसका एरिया कितना होगा 154 होगा, एक का दो का होगा कितना हो जाएगा भाई
हो जाएगा 308, ठीक है। इसका मतलब कह सकता हूँ ये 308 होगा, ये 308 हो जाएगा, बता रही समझ में। लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ गई इसमें, ये चीज़ अगर माइनस करके इसमें मुझे जोड़नी पड़ेगी तो करूँगा क्या भाई, फिर भी देखूंगा मैं स्क्वायर है और मेरे पास इस बार क्या दे रखी है, इस बार मेरी रेडियस जो इस स्क्वायर की साइड दे रखी है 7, और मेरे पास मुझे याद था 3, 3.5 होगा तो एरिया होगा 7, अगर स्क्वायर की साइड होगी 3.5 तो एरिया हो जाएगा 7 इस वाले पार्ट का। मेरे पास दे रखी है 7 जो कि इसका 2 गुना है, अगर 2 से मैं इसका स्क्वायर से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करूँगा 28, तो इसमें हो जाएगा एरिया 28। इस केस में मैं अगर 28 यहाँ ऐड करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 28 और 30 36, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया बन जाता, ठीक है। तो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, इसे मैं नहीं बोल रहा ट्रिक, मैं ट्रिक भी करा दूंगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने ट्रिक भी करा रखा है, ट्रिक नहीं भाई, ट्रिक कहीं लगती है कहीं नहीं लगेगी, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अब ये बोलोगे भाई ये वैल्यूज क्यों, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा अरे सर ये क्यों करें भाई हम 3.5, 7, 5 ये क्यों, ये उल्टा 4, 5 क्यों नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चन में अगर 4, 5 आ गया रेडियस या 7, भाई ऐसा आप सोच रहे हो, कब से सोच रहे हो पता नहीं। मैं तो भाई हम तो 2012 से कराते आ रहे हैं, और 2012 से इसलिए कराए क्योंकि भाई 1999 से 2000 में, 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2005, 2012 तक आते रहे क्वेश्चन, 2000 उसके बाद भी आए और अभी भी आ रहे हैं, 2017 में आ गए, इससे ज़्यादा क्या लोगे भाई। एग्जाम्पल 2017 में जो आपको मेंस में क्वेश्चन जो बने हैं वो जिन्हें आप बोल रहे हो टफ है वो भी तो इसी पैटर्न पे हैं, तो एग्जामिनर के पास एक फिक्स्ड पैटर्न है भाई, उस पैटर्न को फॉलो करता है, उसके डाटा के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करें, उसके ऑप्शनों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करें, बिल्कुल बात बनेगी। अब बोलोगे भाई इनके सिवा, इनके सिवा भी जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं 1999 से अब तक जो क्वेश्चन आए ना इसी बेस पर, ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डलेगी, मैं बना ली है वो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, उस वीडियो में देखना, वो सारे के सारे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन डील करूंगा, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट उठाकर वो सारे क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके पेपर में आ रखे हैं, फिर आपको समझ में आएगा भाई इतने सारे पेपर में आ रहे थे, हम बेकार में अपने ईगो पाल के बैठे थे कि नहीं करते यार याद, कोई बात नहीं, हमने पहले भी वीडियो डाल रखी है भाई, इसमें किसने देखी ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। अगर देख लिया होते तो शायद ये मेंस का पेपर चला गया होता, अच्छा एक क्वेश्चन कर लिया होता, उम्मीद है कि आपने भी कर लिया होगा, पर लेकिन तरीका जो करा होगा वो आपको भी पता है कि कैसा तरीका गया था, ठीक है। अब बात आती है उस क्वेश्चन की कि आपके मन में जो उठ रहा होगा कि भाई मैं क्यों करूं ये कुछ, ये याद क्यों करूं भाई, मेरे पास 3.5, 22 और ये आपका 38.5, इसका रेडियस 7 होगा, उसका 44 होगा, उसका 154 क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका रेडियस 14 हो गई, उसकी 88 के परिधि होगी और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, मैं नहीं याद कर रहा, नहीं हो रहा मेरे से, भाई मत करो, एक बात बता देता हूँ उसके बाद बिल्कुल मत करना, ऐसा कुछ करा है आपने कभी, थोड़ा ध्यान देना ना, ऐसा कभी करा है, ऐसी कुछ आगे चल रहा था 7, 24, 25 ये कुछ याद आ रहा, कुछ कुछ भूला बिचरा याद आ रहा हो, पिछले जन्म की बातें याद आ रही हो भाई, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25 ये क्या है भाई, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल एट्स हैं पाइथागोरन, ट्रिपल एट्स हैं, ये याद हो ही नहीं सबको, क्योंकि अगर कंपटीशन के फील्ड में आए हो, जिस दिन कंपटीशन के फील्ड में आए हो सबसे पहले अगर कोई जोमेट्री वोमेट्री स्टार्ट हो गया, टीचरों ने ये रटवा मरवा दिया भाई 3, 4, 5, 5, 12, 13 कर लो, है ना। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और करा होगा अपने याद, 16 से 2/3% परसेंटेज करा है ना सबने, परसेंटेज में आपने कहीं से कराओ, हम भी कराएंगे, स्टार्ट करेंगे हम भी ऐसे कराएंगे, 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, 11 से 1/9%, 9 से 1/11%, ऐसा भी तो करा होगा, ये भी कर लिया होगा, क्यों कर लिया भाई। अगर मैं आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि भाई हम ये 22 और ये 7 क्यों याद करें, तो मेरे तरफ से भी एक क्वेश्चन है, और क्या है कि भाई आपने ये क्यों याद कर लिया, ये क्यों याद कर लिया, 3, 4, 5 के जगह ऐसा क्यों नहीं याद कर लिया, 5, 6, 7 क्यों नहीं कर लिया, इस 12, 13, 14 5, 12, 13 की जगह 5, 7, 13 क्यों याद नहीं कर लिया। बोलोगे भाई ये ट्रिपलेट नहीं है, तो ट्रिपलेट तो और भी तो आ सकती है, वो क्यों नहीं याद कर लिए। अब आपका मन में आएगा क्वेश्चन, आंसर आएगा कि भाई क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये कैसे पता चला पूछे गए, क्योंकि टीचरों ने बताया, टीचरों को कहां से पता चला, टीचरों ने, फिर दिमाग का क्वेश्चन आएगा, अच्छा टीचरों को इसलिए पता चला क्योंकि पेपर में आ रखे हैं प्रीवियस पेपर में। चलो ये वाला कहाँ से, ये वाला क्यों याद करें भाई, 16 से 2/3 ही क्यों, 2/16 ऐसा क्यों नहीं कर लिया, अभी तक तो आया नहीं पेपर में, चलो ठीक है, ये 14 से 2/7 क्यों, ये ऐसा 7, 14/7 ऐसा क्यों नहीं याद कर लिया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये क्यों कर लिए,
क्योंकि टीचरों ने बताए. टीचरों ने क्यों बताए? क्योंकि उन्होंने प्रीवियस पेपर पढ़े थे. प्रीवियस पेपर पढ़ने के बाद क्यों? प्रीवियस पेपर से क्यों भाई? अपनी तरफ से तो नहीं बनाया ना उन्होंने, अपनी तरफ से नहीं बनाए भाई. यहाँ पर वो अपनी तरफ से नहीं बनाते परसेंटेज, क्योंकि इन परसेंटेज को याद करवाते ना तो आपको वो प्रीवियस पेपर से उठा रखे उन्होंने, वो कराते. क्यों कराते? क्योंकि प्रीवियस पेपर में आए हैं भाई. सीधा सीधे बात है, बहुत सारे प्रीवियस पेपर पढ़े हैं, उनके बाद एनालाइज किया और उनमें से वहां से निकाल दे डाटा निकाला और इन डाटा को याद करा दिया, क्योंकि बार बार आ रहे हैं और आज भी आ रहे हैं. हर कोई ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो आपका सीजीएल का हो या वो मेंस का हो, जिसमें एक या दो क्वेश्चन इसमें से ना आते हो. सिर्फ 25 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, हर बार आते हैं. वो शक्ल चेंज कर लेते हैं अलग अलग. इसका भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 3, 4, 5 का बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो करेंगे हम. अब आपको लगेगा नहीं ये भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है इसमें ही आएगा. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम अलग अलग फॉर्मूले याद कर रहे होते हैं, वो बिना फॉर्मूले के याद हो जाएगा इससे, वो भी करेंगे. ठीक, तो अगर ये याद कर सकते हो, ये याद कर सकते हो, तो भाई मेरे कहने से ये क्यों नहीं याद कर लेते? ये 7, ये 44 और ये 154 क्यों याद नहीं कर लेते? अब बोलोगे तुम क्यों याद करा रहे हो? मैं भी उसी बेस पर करा रहा हूँ जिस पर बेस पर आपने ये पहले या आपके टीचरों ने ये याद करवाए थे. एग्जाम उठाए, एग्जाम में देखा, एनालाइज किया और वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आई और वो कर दिया. हमने पहले जो वीडियो डाल रखी थी उन्हें देख देख के लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बना दिए, लेकिन बच्चों ने हमारी वीडियो आज तक नहीं देखी. क्यों नहीं देखी? वो जरूरत ही नहीं पड़ी उन्हें, कभी किसी ने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ होगा. तो भाई करके देखो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा. अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करेंगे. अच्छा छोटा सा काम देता हूँ, जितने भी मर्जी आप क्वेश्चन उठा के देख लेना अपने प्रीवियस पेपर से. अभी तो अभी हाल फिलहाल में ना 10+2 हुआ है, ठीक है, SCHSL हुआ है ना अभी कुछ दिन पहले, अभी जो अभी पेपर हुए हैं उन पेपरों को उठा के देखना. उन पेपरों में देखना कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है. ये डाटा बस तीन ही चीज़ पूछी है, बस 3.5 में पूछा होगा, ये 7 में पूछा होगा या फिर आपका 14 में पूछा होगा, मतलब रेडियस के बारे में. कभी उसका सरकमफ्रेंस दे दिया, कभी एरिया पूछ लिया, कभी कुछ दे दिया, कभी पूछ लिया. ठीक है, तो आज की वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ी हो रही है, यहीं पर इसे रोकते हैं और अगले वीडियो तक आप इंतजार करें. वीडियो बन चुकी है, वो वीडियो डाल देंगे और उसके बाद उस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बस इंतजार करें, खुश रहें और अगली वीडियो का इंतजार करें. अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो जरूर कमेंट्स करें. कोई अगर क्वेश्चन, कोई डाउट है तो उसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं. थैंक यू, गुड नाइट.